नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। सरकार ने पिछले 2 दिनों में लगातार कई पैकेजेस की घोषणा की है और उनका कहना है कि ये कुछ 20 लाख करोड़ के आसपास है। इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ JNU में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर जो रोहित हैं वो जुड़े हुए हैं। रोहित, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल तो ये होगा कि ये जो 20 लाख करोड़ का पूरा पैकेज है जिसमें MSMEs को लोन की बात की गई है, EPF कट्स की बात की गई है, इसमें जो एक्चुअल स्पेंडिंग है वो कितनी है? मतलब अगर मोटे मोटे तौर पे कहा जाए तो क्या इवन MSMEs को, जिसमें आम जनता की तो कोई बात ही नहीं है, पर MSMEs को भी क्या कोई फायदा हो रहा है? नहीं तो इसमें एक चीज तो है कि अभी सारा पैकेज उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, एक एक दिन करके कर रहे हैं, तो अभी एडवांस में कहना कि क्या आने वाला है थोड़ा सही नहीं होगा। लेकिन एक चीज जो बहुत ही क्लियर है कि खर्चा अगर करने वाली है सरकार तो उसका कोई एक फिगर होना चाहिए। 20 लाख करोड़ में से एक स्पेसिफिक डेटा जो कोई कंटेस्ट नहीं कर सकता है क्योंकि वो सरकार का ही अपना डेटा है, वो कह रहा है कि 4.2 लाख करोड़, विच इज 4.2 लाख करोड़, वो बोरोइंग एक्स्ट्रा करेगी पिछले बजट के मुकाबले। ये एक्चुअली एग्जैक्ट अमाउंट है जो वो खर्च करने वाले हैं। ये 20 लाख करोड़ अब ऐसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन सही में बोलूंगा, वो जुमला ही है। एक उसका 1/5 ऑफ दैट अमाउंट ही जो है वो सही मायने में, जिसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं फिस्कल पॉलिसी के टर्म्स में, वो कमिट किया जा रहा है। अगर वो 20 लाख करोड़ का नंबर हम दे रहे हैं तो आप मान के देखिए, मैं एक उदाहरण आपको दूंगा जो उन्होंने परसों अनाउंस किया था कि ये जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो क्रेडिट कार्ड लंबा लिस्ट जो उन्होंने दिया था उसमें मैं एक सिर्फ पढ़ना चाहूंगा जिससे इनकी लोगों के प्रति और खास करके गरीब लोगों के प्रति जो इनसेंसिटिविटी है वो निकल के आती है। स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ ₹5,000 करोड़ फॉर 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स। आप सोच के देखिए, जो रेडी वाला जो आपके घर के आसपास सब्जी बेचता था, जिनकी जिनका जो आमदनी का वो भी जा ये तो मजाक ही हो गया ना कि जिन लोगों की नौकरी नहीं है, फॉर्मल नौकरी नहीं, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, उनको आप ये कह रहे हैं कि हम क्रेडिट फैसिलिटी क्रेडिट लाइन आपको दे रहे हैं, कौन जाके अभी लोन लेगा? मेरी नौकरी है, मैं लोन लेने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। तो जिस व्यक्ति की नौकरी है नहीं और जब उसके खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं हो जाके सो और जितने आप उदाहरण उठा के देख लीजिए, 20 लाख करोड़ में ये जो 16 लाख करोड़ है ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट फैसिलिटी है। किसी भी इकोनॉमी को समझने के लिए जब इकोनॉमी में रिसेशन होता है उस समय में आपको चाहिए कि आप फिस्कल मतलब खर्चा बढ़ाएं, लोगों के हाथ में पैसे दें जिससे डिमांड बढ़ता है, आप वो करें, ना कि आप क्रेडिट दें। अभी बैंक ही क्रेडिट देने के पक्ष में नहीं है। आप बैंक के बैलेंस शीट उठा के देख लीजिए, उन्होंने अपना सारा फंड जो है RBI में पार्क किया हुआ है क्योंकि वो नहीं देना चाहते, वो खुद ही श्योर नहीं है कि लोन दे के उन्हें वापस मिलेगा नहीं, NPA के प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह। तो 4.2 नंबर जो है 4.2 करोड़। तो रोहित, देखिए आपने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया कि बैंक्स भी जो है वो क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं है, पर अगर सरकार ने जो लंबे चौड़े वादे कर दिए हैं और इसको प्रोसेस किया जाए तो इसका पूरे बैंकिंग सेक्टर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि NPAs को अगर हमने देखा है तो वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और अभी कुछ दिनों पहले ही कुछ हजारों करोड़ की संख्या में NPAs माफ किए गए। जी, तो बेसिकली इस सरकार का मतलब दो चीजें हैं उसमें मैं कहूंगा कि जहां तक NPA का सवाल है, इस सरकार ने ये ऑप्शन निकाला है कि ये ना करके कि आपके जितने NPA हैं उसको आप वसूलें, जिनके अगेंस्ट मान लीजिए आप लोन लेते हैं और आप जो है डिफॉल्टर हैं तो आपकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। ऐसे होना नॉर्मली होगा, तभी आप एक मतलब क्या बोले डेटरेंट जो है सेट करेंगे कि आगे लोग ऐसा ना करें। इस सरकार ने, और ये पिछली सरकार के लिए कुछ वैलिड था लेकिन इस सरकार के लिए पर्टिकुलरली कि ये राइट ऑफ कर रहे हैं लोग, मतलब बेसिकली या तो आप अपने खाते से यानी कि फिस्कल उससे आप इसकी भरपाई करेंगे, या आपका मेरा पैसा जो बैंक में पड़ा है उसका जो इनकम है वो बैंक इसको भरपाई करने में लगा रहा है। ये दोनों ही गलत तरीका है, मतलब इट इज बेसिकली गरीब लोग जो बेल आउट कर रहे हैं अमीर लोगों को। ये तो किसी भी तरह गरीब लोग, मैं बोलूं मिडिल क्लास गरीब जो भी कहें,
कॉरपोरेट सेक्टर को बेल आउट कर रही है, ये भी अपने आप में ही बहुत गलत बात है। लेकिन उसको हम दरकिनार करके जस्ट बैंक के क्रेडिट की बात अगर करें, तो ये जो सारे मेजर्स अनाउंस किए गए हैं, आप उसको अगर सोचेंगे, क्रेडिट का ऑफर क्रेडिट में नहीं बदल जाता, आपको लोन लेने वाला, उधार लेने वाले लोग चाहिए। अगर उधार लेने वाले नहीं है तो बैंक में सिर्फ कैपेसिटी रहेगा, उसको पोटेंशियल क्रेडिट कह सकते हैं, वो रियल क्रेडिट एक्चुअली है नहीं। मैं और आप अगर लोन लेने नहीं जाए तो बैंक में फोर्स नहीं कर सकता जबरदस्ती कि आपको लोन लेना ही पड़ेगा। तो वो सेम चीजें इन सारे एमएसएमईज के बारे में देख लीजिए, उनकी अगर अभी बिक्री नहीं हो रही है, उन्हें पता नहीं है कि 3 महीने बाद बिक्री होगी कि नहीं, वो अपने वर्कर्स को रख नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास प्रॉफिट्स नहीं है, वो कहाँ भी जाएंगे लोन लेने के लिए? दैट्स द लास्ट थिंग ऑन देयर माइंड कि अभी जाके उनको लोन लेना। रोहित, अगर हम पिछले 2-3 सालों को देखें तो इवन डिमोनेटाइजेशन जीएसटी के बाद सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर किसी पे पड़ा था तो वो एमएसएमई ही इम्पैक्टेड हुए थे इस पूरे प्रोसेस के थ्रू, और उसके बाद से ये पूरा ये जो सेक्टर है वो एक क्राइसिस से डील कर रहा है। और जैसा आपने कहा कि अभी वो खुद भी लोन लेने नहीं जाएंगे, तो फिर उनके यहाँ जो एम्प्लॉयड हैं, बेसिकली जो वर्किंग क्लास है, पुअर है, उन तक भी ये फायदा नहीं पहुंचेगा, क्या ये कहना सही होगा? बिल्कुल सही होगा। मतलब आप ये सोचिए, इसके विपरीत अगर ये किया होता उन्होंने कि एमएसएमई को किसी तरीके को सब्सिडी ट्रांसफर दे सकते थे, जिससे एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में, जो अगला 3-4-5 महीने, किसी को नहीं पता है कितना समय, लेकिन जितने समय तक ये कोविड क्राइसिस रहेगा उस समय तक कम से कम अपने वर्कर्स को सैलरी दे पाते, उसके बाद जब रिकवरी होती तो सभी, मतलब जितने एमएसएमईज हैं, एटलीस्ट प्रॉफिटेबल होते या एटलीस्ट रिवाइव कर पाते। अभी क्रेडिट से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि आप उससे सैलरी नहीं दे सकते, तो काफी हद तक जो माइग्रेंट वर्कर्स जो वापस जा रहे हैं वो तो एमएसएमई का भी पार्ट है, वो सिर्फ एग्रीकल्चरल माइग्रेंट वर्कर्स तो है नहीं, वो तो छोटे छोटे कारखानों में काम करते थे, सब लौट रहे हैं, पैदल जा रहे हैं अपने गाँव की तरफ, इसीलिए क्योंकि उनके कोई इनकम नहीं है। रोहित, एक बड़ा सवाल यहाँ भी ये भी है कि जब ईपीएफ कट्स की बात की है, उसको एक बड़े मूव की तरफ प्रोजेक्ट किया है, पर अगर कॉन्ट्रीब्यूशन आप 12% से 10% पे रिड्यूस कर रहे हैं तो उसमें लॉस वर्कर्स का ही है, उनकी सेविंग्स में लॉन्ग टर्म का लॉस है, इस बात पे थोड़ा सा आप और प्रकाश डाल सकते हैं क्या? मतलब आप सोचिए, आप 12% से 10% कर रहे हैं एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, और उसको आप कह रहे हैं कि ये स्टिम्यूलस है, क्योंकि आप इसको सिर्फ जो है एम्प्लॉयज के परस्पेक्टिव से देख रहे हैं, आपके हिसाब से एम्प्लॉयर्स की सेविंग होगी, वो इन्वेस्ट करेंगे, वो वगैरह वगैरह, ये आपके दिमाग में कैलकुलेशन आपका हुआ है जिसके बेसिस पे आप कह रहे हैं कि स्टिमुलस है। पहली बात तो वो भी अपने आप में एक पोटेंशियल ही चीज है, अगर उनके अभी जो मैं डिमांड की बात कर रहा था, अगर उनके जो एम्प्लॉयर्स हैं, जहां पे भी एम्प्लॉयड हैं, अगर उनके खुद के सामान की बिक्री नहीं हो रही है तो ये 2% भी जो है वो सेविंग करेंगे, अगर करते हैं उसको स्पेंड नहीं करेंगे, जबकि आप वो 2% अगर सही मायने में एम्प्लॉयज को देते हैं जिनके बुनियादी सुविधाओं में दिक्कत हो रही है, जिनके पास नौकरी, हालांकि ये तो खैर फॉर्मल सेक्टर के लिए ज्यादा वैल्यू है, लेकिन जिनके इनकम डायरेक्टली अफेक्टेड हुए, पे कट्स लेना पड़ा है जिन लोगों को, एटलीस्ट उससे कुछ परकुलेट करता है डिमांड को बढ़ाने में। ये मैं क्या बोलूं, मतलब मजाक ही कह सकते हैं इसको, कि आप कॉन्ट्रीब्यूशन को कट कर रहे हैं और उसको स्टिम्यूलस बता रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में, आप इनका सारा उठा के देख लीजिए, जितने भी प्रपोजल्स हैं उसमें प्रायोरिटी जो है वो एम्प्लॉयर, प्रायोरिटी जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर है, नॉट द पीपल, आम जनता उसका उसकी प्रायोरिटी नहीं। नहीं तो पहले दिन ही जब आपने लॉकडाउन किया था, सबसे पहले माइग्रेंट वर्कर्स के लिए आपको या गरीब जनता के लिए इमीडिएटली आपको एक पैकेज अनाउंस करना चाहिए था, खाने के टर्म्स में, कैश ट्रांसफर के टर्म्स में, वो आपकी प्रायोरिटी नहीं थी। बट सरकार का तो कहना है कि 1,70,000 करोड़ का जो पैकेज इनिशियली अनाउंस किया था वो सफिशियंट है इससे टैकल करने के लिए। किस मामले, कहां से सफिशियंट है और उसका क्या बुनियाद है, कितने लोगों के पास पहुंच गया है, बहुत लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और जिन्होंने मुझसे ज्यादा जाने वाले लोग, जिन्होंने इसके बारे में कहा, लिखा भी है कि कुल मिला के उन्होंने जो है 1.5 महीने का पैकेज, जो इन टर्म्स ऑफ फ्री राशन की भी जो बात की है, वो भी कितने लोगों तक पहुंच रहा है, क्योंकि काफी लोगों के पास राशन कार्ड, या उन्होंने नया एक स्कीम, वन नेशन वन राशन कार्ड,
तो भाई जो 1.5 महीने से जिनको खाना नहीं मिल रहा था उनका क्या होगा, मान भी लें कि अभी अगर वो शुरू करते हैं अगले 45 दिन के लिए, तो मार्च और अप्रैल के महीने का क्या होगा? वो तो लॉकडाउन में तभी भी फंसे हुए थे, उनकी जिंदगी, उनकी फैमिली, उनके परिवारजन को सबको तो ये समझा भुगतना पड़ा। अब आप हाइंडसाइट में जाके तो उसको वैसे भी नहीं चेंज कर सकते, तो मतलब अमाउंट बहुत ज्यादा है, बिल्कुल ही गलत होगा कहना। एक इसलिए भी क्योंकि हमारे पास फूड ग्रेन स्टॉक्स हिस्टोरिकली हाई लेवल्स पे हैं, तो आप आसानी से ये कमिट कर सकते हैं कि अगले 4-5 महीने के लिए आप मिनिमम वो 10 किलो जो काफी लोगों ने रेकमेंड किया है ग्रेन प्लस उसके साथ साथ दाल वगैरह का एक पैकेज बना के आम लोगों में यूनिवर्सली जो एक्सेस करेंगे करेंगे, जो नहीं यूनिवर्सल का वही फायदा, उसमें लीकेज का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप यूनिवर्सल कीजिए, जिनको जरूरत होगी वो लेंगे, जिनको जरूरत नहीं होगी वो नहीं लेंगे। और उसमें होता है कि डुप्लीकेशन की बात है, तो काफी लोगों ने सजेस्ट किया है कि आप वो इनडेलेबल वो जो वोटिंग के समय में उंगली पे मार्क लगाया जाता है लगा के कर लीजिए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, किया जा सकता है, मंशा होने की जरूरत है पॉलिटिकल भी। रोहित ये लगातार एक फोकस रहा है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, हमने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का क्या हुआ उसको देखा ही है, तो लुकिंग एट द सिचुएशन राइट नाउ, जब आपने कहा कि डिमांड जो है उसको और बढ़ाने की जरूरत है, इवन इन दैट टर्म आर वी केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग विद इन द कंट्री टू इंश्योर दैट द सप्लाई इज इक्वल टू द डिमांड? नहीं, इसमें दो मसला है। एक तो मैं सप्लाई वाली बात पे, क्योंकि वो आमतौर पे एक्चुअली चर्चा में और मैं कहूंगा सेल्फ क्रिटिकली इकोनॉमिक्स में भी मिसिंग है, और मैं फ्रेंकली बोलना चाहूंगा वो चाहे मार्केट वाले इकोनॉमिस्ट हो या स्टेट के पक्ष में बोलने वाले, सभी लोग ये जो सप्लाई वाला साइड है उसको दे आर समहाउ मिसिंग इट। आप ये सोच के देखिए कि इस कोविड क्राइसिस के कारण जो है आपने लॉकडाउन किया, तो इससे सिर्फ डिमांड अफेक्टेड नहीं हुआ, इससे सप्लाई भी अफेक्टेड हुआ है। ऑब्वियसली जो है चीजें प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है क्योंकि आप फैक्ट्रीज बंद है, तो आप किसी भी मामले में अगर लॉकडाउन को लिफ्ट करते हैं या इकोनॉमिक रिवाइवल का बात करते हैं, आपको दोनों ही पहलुओं पे सोचना पड़ेगा। सिर्फ डिमांड के साइड से आप करेंगे तो उससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर बनेगा इकोनॉमी पर, अगर आप चीजें प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ लोगों के हाथ में पैसे देने से तो मामला सलटेगा नहीं। तो इसलिए जरूरत यह है कि आपको ऐसी पॉलिसीज के टर्म्स में सोचना पड़ेगा जो प्रोडक्शन को भी रिवाइव कर सके, और उसके लिए मुझे लगता है हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सोचा भी है कि एटलीस्ट एसेंशियल सेक्टर में आपको वर्कर्स को सेफ्टी गियर दे के ही काम को शुरुआत करवानी कराया जाना चाहिए। एसेंशियल सेक्टर आपको शुरू करना ही पड़ेगा, नहीं तो सही मायने में फूड राइट्स हो सकते हैं इस देश में, और वो बहुत ही शर्मनाक स्थिति, बहुत ही शर्मनाक से ज्यादा दर्दनाक स्थिति होगी कि लोगों को खाने के लिए। तो आप उस चीज को अगर सेफ्टी गियर दे के वर्कर्स को, जिनका ये मौलिक अधिकार होना चाहिए, जैसे कि अगर आप माइन में जाते हैं आपको एक हेलमेट मिलता है, सिमिलरली जो है अभी जिस जो स्थिति है उनके परिवारजनों को बचाने के लिए उनको एक सेफ्टी गियर दे के आप प्रोडक्शन को शुरू करें। ये मैं इनिशियल लेवल पे रेस्पॉन्स होगा। आप जो लार्जर क्वेश्चन बता रहे हैं कि हम क्या अपने देश में प्रोड्यूस कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, उसमें हाँ या ना मैं जवाब दूंगा। लोग बहुत बोलते हैं कि हमारा सारा कुछ जो है चाइना से आता है, ऐसी बात नहीं है कि हम अपनी चीजें प्रोड्यूस कर नहीं सकते। मेरे ख्याल से वहां पे पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट रोल है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी का सवाल है। एक समय में हम सही मायने में आत्मनिर्भर थे, ऐसी बात नहीं है कि हम हमेशा जो है डिपेंडेंट रहे हों, हम आत्मनिर्भर थे इंडस्ट्री के टर्म्स में भी और एग्रीकल्चर के टर्म्स में भी। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये किया नहीं जा सकता है। अगेन वो सेम ही सवाल आता है कि आप आत्मनिर्भर एक नया टर्म, मतलब इनके साथ यही है कि इतने सारे टर्म्स ये लाते रहते हैं कोई ना कोई नया नाम देके, इनका इंटरेस्ट उन टर्म्स को ही जेनरेट करने में नॉट सो मच एज कि उसको पॉलिसी के टर्म्स में तब्दील किया जाए। रोहित आपने एसेंशियल सर्विसेज की बात की, प्रोटेक्टिव गियर की बात की, पर दूसरी तरफ देखें तो स्टेट गवर्नमेंट्स लगातार मूव कर रही हैं कि कैसे वर्किंग आवर्स को 8 से 12 किया जाए, कहीं कहीं जगह पे 14 भी किया जाए, तो इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे? क्योंकि एज अ ले पर्सन अगर मैं इसको समझना चाहूँ तो आप अगर एक वर्कर का 8 घंटे से 12 घंटे या 14 घंटे काम करने का सीमा बढ़ा रहे हैं तो आप एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी कम कर रहे हैं, क्योंकि जहां पहले 2 शिफ्ट में लोग काम कर सकते थे वहां एक ही वर्कर पूरे शिफ्ट में काम करेगा।
बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये जो पॉलिसी है, आप अगर एक जो मैंने कहा था कॉर्पोरेट सेक्टर के पक्ष से देखें तो बहुत बढ़िया पॉलिसी है, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा जो है अपने वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर पाएंगे। अगर सेम ही वेतन में आप उनसे 12 घंटे का काम ले रहे हैं तो आपका तो मुनाफा बढ़ गया, ये तो सीधा सा कैलकुलेशन है। इस पूरे पॉलिसी में इसीलिए मजदूर वर्ग, गरीब आम जनता, उनके पॉलिसी फ्रेमवर्क का पार्ट है ही नहीं। अल्टीमेटली कोविड के गार्ड में ये अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो न्यू लिबरल रिफॉर्म से उनको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, खुले तौर पे उसको किया जा रहा है और कहा जा रहा है ये पैकेज है पैकेज है। इसका सिर्फ सिंपल सा एक जो आपने खुद ही उदाहरण दिया और सही भी दिया कि जिस इकोनॉमी में लोगों के पास इनकम की कमी है, डिमांड की कमी है, अगर आप लोगों को नौकरियों से निकाल देंगे और जो लोग नौकरी में हैं उनके वेतन को इफेक्टिवली और कम कर देंगे, ऑब्वियसली डिमांड का प्रॉब्लम होगा। दिक्कत ये होती है, लोग माइक्रो और मैक्रो में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब आप एक फर्म को प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट जो है वो इन्वेस्ट करेगा, ऐसा सोच के लोग बोलते हैं। वो इन्वेस्ट तो तभी करेगा ना जब उसकी जो सामग्री और जो सामान वो बनाएगा वो बिकेगा। अगर बिके ही ना, खरीदेगा कौन उसको? आम जनता खरीदेगी। अगर आम जनता के पास इनकम नहीं है तो नहीं खरीद पाएगी। आपके पास जो है ये सारी चीजें सिर्फ प्रोड्यूस करके आप रखेंगे लेकिन आप उसको बेच नहीं पाएंगे, तो जिसको एग्रीगेट डिमांड प्रॉब्लम जो है वो खा जाए, इससे और एग्रीवेट हो जाएगा अगर आप मजदूर वर्ग के इनकम को, उनकी नौकरियों को और छीने। रोहित, ये आखिरी सवाल होगा, एज अ इकोनॉमिस्ट आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए था? मेरे हिसाब से सबसे पहले तो सरकार को एक सॉलिड फिस्कल पैकेज के टर्म्स में सोचना चाहिए था, मतलब वो कंप्लीटली मिसिंग है। अगर सही मायने में 20 लाख करोड़ फिस्कल पॉलिसी के तहत ये लोग सोचते तो रिवाइवल के चांसेस जो हैं वो इकोनॉमी के होते। आप सोचिए, जो मैंने आपको नंबर दिया था, चार, मैंने नहीं एक्चुअली सरकार ने, 4.2 लाख करोड़, ये 2% है जीडीपी का। आप सोचिए इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी 2% से कहीं ज्यादा, अगर वो इतने से ज्यादा से कॉन्ट्रैक्ट करिए तो आप उसकी भरपाई भी नहीं कर पा रहे। आप ग्रोथ तो भूल जाइए, आप जो इकोनॉमी थी पिछले साल उस लेवल तक भी इससे आप नहीं ला पाएंगे प्योरली इस कोविड क्राइसिस के कारण। और इसलिए रेस्पॉन्स होना चाहिए था कि आप फिस्कल पॉलिसी में ज्यादा से ज्यादा खर्चा करें, और उसमें भी दूसरी चीज कि उसमें प्रायोरिटी जो है वो दो तरीके से, एक तरीके एक हो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग पॉसिबिलिटीज हैं उसको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। एनवायरमेंट का मुद्दा एकदम सीधे सामने आ रहा है, पोल्यूशन की कमी होने है, लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ा है। आप इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कीजिए, और जो इमीडिएटली लोग अपनी नौकरी या आमदनी जिनकी बिल्कुल खत्म हो गई है उनको 6 महीने तक राशन फ्री देने का, और बेसिक कैश लोगों ने रेकमेंड किया करीब 7,500 रुपये महीने एक फैमिली को चलाने के लिए, इस तरीके के मेजर्स जो है उनको करने चाहिए थे, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों को ध्यान में रखते हुए। शुक्रिया रोहित हमसे बात करने के लिए, थैंक यू निश्चित तानिया, देखते रहिए, शुक्रिया। धन्यवाद। Thank you.